दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा जिसके खराई और पवित्रता की गवाही खुद परमेश्वर ने भी दिया है। उसके खराई और विश्वास की परीक्षा के दौरान उसे कई दर्दनाक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात नहीं कही। दोस्तों, जिस महान व्यक्ति के बारे में मैंने कहा उसका नाम है अय्यूब, जिसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ हो और अचानक से एक ही दिन में आप अपना सब कुछ खो दें? जी हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरा नाम अय्यूब है और यह मेरी कहानी है। मैं ऊज देश का निवासी था और मेरे पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में मेरे जैसा कोई नहीं था। मैं परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने मुझे 7 बेटे और 3 बेटियों से आशीषित किया, साथ ही साथ मेरे पास 7,000 भेड़ बकरियाँ, 3,000 ऊँट, 500 जोड़े बैल और बहुत से दास दासियाँ भी थी। जब मेरे बेटे अपने घरों में दावत रखते थे तो अपने बहनों को भी खाने के लिए बुलाया करते थे, और जब उनका दावत पूरा हो जाता था तब मैं उन्हें अपने पास बुलाकर पवित्र करता, और भोर को उठते ही यह सोचकर कि शायद मेरे लड़कों ने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किया हो, मैं उनके गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था। एक विशेष दिन को जब मेरे बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर दावत कर रहे थे, तभी अचानक से एक सेवक मेरे पास आया और बोलने लगा कि हम तो बैलों से हल जोत रहे थे, तभी सभा के लोगों ने धावा करके सेवकों को मार डाला और उन्हें ले गए और मैं ही अकेला बचकर आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तू ये समाचार देने को आया। इसके बाद एक और सेवक ने आकर बोला कि कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। अभी इसका बात खत्म ही हुआ था तब तक एक और सेवक भागता हुआ आया और बोलने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। यह सब सुनते ही मैं अंदर से टूट गया, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास था वह सब कुछ एक ही दिन में समाप्त हो गया था। मैंने अपने बागा फाड़ा और सिर मुंडवा कर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मैंने कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाया और न ही कोई पाप किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा आया था और इस दुनिया से नंगा ही वापस चले जाऊँगा। परमेश्वर ने दिया और उसी ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। कुछ दिनों के बाद मेरे पैर के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़े निकल गए। मैं इस समय बहुत दर्द और पीड़ा में था। मेरी अपनी पत्नी ने मुझसे कहा कि क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर, या चाहे मर जाए तो मर जा। ये वो सब थे जो मेरी पत्नी ने मुझसे कही, लेकिन मैंने इसका विरोध किया और उससे कहा कि तुम मूर्ख स्त्री की तरह बात कर रही हो, क्या हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं दुख नहीं ले सकते? इन सारी घटनाओं के दौरान भी मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। जब मेरे 3 दोस्तों ने मेरे कठिनाइयों और मेरे मुश्किलों के दौर के बारे में समाचार पाया, तब वे इकट्ठे होकर मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे पास आए, लेकिन वे दूर से मेरी हालत देखकर मुझे पहचान नहीं सके। जब पास आए तब वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और अपने अपने बागे फाड़ कर अपने ऊपर मिट्टी डाले, और मेरे 3ों दोस्त मेरे इस भारी दुख में मेरे साथ 7 दिन और रात बिना एक शब्द बोले जमीन पर बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं कितना बड़ा दुख में हूँ। कुछ समय के बाद मैंने अपना मुंह खोला और अपने जन्मदिन को कोसने लगा कि वह दिन जल जाए जिसमें मेरा जन्म हुआ, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मेरे ऊपर आ गया था। न ही मुझे शांति थी और न ही आराम। मेरे दोस्तों ने इस पीड़ा और दर्द में मुझे संभालने के लिए अपने अपने राय देना शुरू किए। उन्होंने इस विषय पर बात की कि परमेश्वर आखिर लोगों को दुख में क्यों छोड़ देता है। उनका मानना यह था कि मुझे जो दुख हुआ है वह मेरी किसी गलती की वजह से हुआ है, इसीलिए वे मुझे बार बार अपनी गलती स्वीकार करने और परमेश्वर के आगे पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित किए, ताकि परमेश्वर मुझे फिर से आशीष दे। इन सब की राय सुनते सुनते एक समय पर मैं थक गया। मैंने उन्हें बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सब बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मेरे पास भी ज्ञान की कमी नहीं है।
आप सब मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए अब मुझे परमेश्वर से ही इस मामले में बात करना है। मैं इस अन्याय की निंदा करता हूँ कि परमेश्वर बुरे लोगों को बढ़ने देता है और कई ईमानदार लोग पीड़ित होते हैं। मैंने अपने दोस्तों से यह भी कहा कि निश्चय रूप से परमेश्वर जीवित है जिसने मुझे न्याय से वंचित रखा है। परमेश्वर जिसने मेरे जीवन को तब तक बेहतर बनाए रखा है जब तक मेरे अंदर सांस है। मेरे होठ कोई बुरी बात नहीं कहेगी और न मेरी जीव झूठ बोलेगी। मैं मरते दम तक अपनी ईमानदारी और सच्चाई से इनकार नहीं करूँगा। मैं अपनी बेगुनाही बरकरार रखूँगा और जब तक जीवित रहूँगा इसे कभी जाने नहीं दूंगा। मेरा दुख शारीरिक तो था ही, क्योंकि सिर से लेकर पांव तक फोड़े से भरा हुआ था। इसके अलावा मैं मानसिक रूप से भी दुखी था, क्योंकि लोग मुझसे बात नहीं करते थे और बच्चे भी मेरे ऊपर हंसते थे। मेरी आध्यात्मिक पीड़ा तो किसी अन्य पीड़ा से ज़्यादा ही बेकार थी। बहुत दिनों के दुख और कष्ट के बाद अब वो समय आया जब परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। परमेश्वर ने मुझसे कई सवाल पूछे कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? परमेश्वर ने ऐसे और भी कई सवाल मुझसे पूछे, लेकिन मेरे पास उसका जवाब नहीं था। मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं तो तुच्छ हूँ, मैं आपको क्या उत्तर दूँ? परमेश्वर ने मुझसे कहा कि क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे दोषी ठहराएगा? यह सब सुनकर मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी न था। यह कहने के बाद मैंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप भी किया, जिसके बाद परमेश्वर ने मेरे तीनों दोस्तों को भी पश्चाताप करने को कहा, क्योंकि उन्होंने मेरे समान परमेश्वर के बारे में अच्छी बातें नहीं कही थी। उन्होंने परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाया और मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किया और मेरा सारा दुख दूर हो गया। जितने मेरे भाई बहनें और रिश्तेदार दूर चले गए थे, सबने आकर मेरे साथ भोजन किया और मुझे शांति दी। साथ ही साथ परमेश्वर ने मुझे पहले से 2 गुना आशीष भी दिया। मेरे पास अब 14,000 भेड़ बकरियाँ, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 जोड़ी गदैया हो गई थी। 7 बेटे और 3 बेटियाँ भी उत्पन्न हुई, जिनके जैसा सुंदर पूरे देश में कोई और नहीं था। इन सब बातों के बाद मैं 140 वर्ष तक जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया और वृद्धावस्था में मेरी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको इस बाइबल की कहानी से एक बात जरूर सीखना चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी भी दुख और कष्ट आ जाए, लेकिन हमें अपने सच्चे स्वभाव और ईमानदारी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, जिस प्रकार से अय्यूब ने हमें दिखाया। आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।